वार्ड नंबर 28 से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम महाजन की ओर से वार्ड वासियों व कांग्रेसी वर्करों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उनकी ओर से पिछले वर्षों में किए गए कार्यों व आने वाले समय में किए जाने वाले कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया गया और कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम महाजन ने बीते कल नामांकन पत्र भरने के दौरान लोगों द्वारा दिए गए समर्थन व सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह सदा लोगों के कार्यों के लिए तैयार रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद भी इसी प्रकार लोगों की सेवा में तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि लोग कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करते हैं तो उनका आने वाला समय भी सुनहरी होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही है जो कि लोगों की समस्याओं का हल करवाने के लिए सदा कार्य करती है। इसलिए वार्डवासी कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक वोटिंग करें। जिहड़ी कल वाली नोमिनेशन दी गल है, मैं जिहड़ा वार्ड दे लोगों दा जां वार्ड तों अलावा भी अपने शुभ चिंतकां दे सहयोग दा हमेशा ऋणी रहांगा। मैं कदे सोचा नहीं सीगा कि इस तरह मेरी रैली नूं 3 घंटे सिर्फ चलन तो लैके उत्थे तकर नोमीनेशन दे लग जाणगे। मैं ना इन्नी सोची सीगी, ना मेरी कोई इस तरह की तैयारी सीगी, लेकिन लोगों का इन्ना उत्साह इतों तकर कि लेडीज़ का लामा भी आया कि सानू भी लैके क्यों नहीं गए। मैं लोगों के इस प्यार का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। जिहड़ा अगला सवाल है कि एजेंडा की है अज की मीटिंग का जां इलैक्शन का, एजेंडा यह है कि देखो मैं इस महल्ले का इन्हों का आंढ़ी गुआढ़ी हाँ, महल्लेदार हाँ। मेरे वास्ते MC होवां कि नहीं होवां, मेरा इन्हां महल्लों के ही आना जाना रहिंदा है। मेरा शौक है, मेरा सुभाव है कि इस तरह का बेटा 2 मिनट कि सोशल कामों के मेरा इंट्रस्ट है। मैं ये भी नहीं कि यह लोगों वास्ते करदा, ये पोलीटिकल स्टेज जरूर है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं है कि मैं सिर्फ लोगों वास्ते करदा। मेरा अपना सुभाव है, मैं शौक है कि यह काम करने का, मेरा शौक है, मेरा जारी रहिंदा है। वो मैं MC होवां चाहे ना होवां। तो दूसरे पासे देखो बड़े दुर्भाग्य की गल है कि साडे वार्ड नूं जिहड़ा राजनीतिक पार्टियां ने कैंडिडेट दिते है वो एक लमीनी तो सुनिया है, एक नत्थू नगर तो सुनिया, जिन्हां नूं अज तक मेरे ख्याल नहीं है कि मैं वो नहीं देखिया, तो इन्हां लोगों ने बेचारे ने कित्थे देखिया होना। चलो खैर वो अलग गल है। मेरा इन्हां महल्ले दे नाल रोज़ का वास्ता है। उदाहरण के तौर पर इत्थे जिहड़े भी कोई छोटे तो लैके वड्डे तकर दे काम हैगे है वो मेरे द्वारा ही होंदे है। लोग मेरे तो ही आस करदे आ और मैनूं भी काम करन च अच्छा लगता। जिथे असीं मीटिंग कर रहे हैं इहदे नाल ही तो असीं मिनी पैलेस बना रहे हैं। एडा वड्डा मिनी पैलेस इस इलाके दे विच बनने की तो गल बड़ी दूर है, किसी ने सोचा भी नहीं सीगा। जिस मिनी पैलेस वास्ते असीं अपना जिथे ही सरकारी पैसा लिआंदा उत्थे मैं अज तो 3-4 महीने पहले भी कमिटमेंट की है, अज दोबारा उसनों दोहरा दिना, कोई नवी कमिटमेंट नहीं है कि मैं सरकारी खर्चे तो अलावा जो भी उस जंज घर वास्ते जिन्हों जंज घर पंजाबी भाषा च कहिंदे आ, मैं तो मिनी पैलेस ही कहना कि उस पैलेस वास्ते जिहड़ा भी कोई उस तो इलावा खर्च होएगा वह भी मैं करना है और उहदी रख रखाव का साल दर साल जिहड़ा कोई खर्चा होएगा वह भी मैं करना। लोग अपने हैं, खर्चा भी यही करना है। ये पिछे नाले का ही काम ला दिता है। हौली 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 असी उत्थे पहुँच गए हाँ। हुण अगों अणू दे घर तों अगे लिआउणा तो फिर उस तो अगली कड़ी दे विच हौली हौली असी इत्थे पहुँच जाणा इहदे और जिथे असी बैठे हाँ और इहदे नाल राइट साइड ते देखो जिहड़ी असी ग्राउंड बनाई है, अज ते हले ग्राउंड बनाई सिर्फ 2 साल की साडी मेहनत है, लेकिन तुसी मैं तुहानूं कमिटमेंट दे रहा कि मेरा MC बनना चाहे नहीं बनना, मैं बना चाहे ना बना, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर पठानकोट की सब तो वड्डी और खूबसूरत ग्राउंड ए वाली ग्राउंड होएगी। इस तरह के मेरे बड़े एजेंडे ने। मैं इस इलाके दे विच लोगों की पेंशन की कोई रिपेयर की कोई पुलियां की हर छोटे वड्डे काम करीदा, करने कोई सहान नहीं करीदा जी, अपने लोग ने करते ही रहना। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।